मैं आपको बताती हूँ कि हम घर में ही चांदी बड़े आसानी से कैसे साफ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग सुनार के पास जाते हैं, वहाँ जाके देना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है, हम घर में ही बड़े आसानी से चांदी को साफ कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच सोडा, 2 चम्मच सोडा ऐड किया है। अब इसमें झागाने चालू हो गए हैं। उसके बाद हम एक ये फॉइल, जो हम लोग खाना रैप करते हैं वो वाला फॉइल पेपर है, वो डालेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास ये कुछ चांदी की पायलें हैं, बहुत ज़्यादा काली है। अब ये जो पायल है इसकी तो बड़ी ही बुरी हालत है, आप देख सकते हो इसको। अभी देखिए कितने आसानी से साफ होता है बिना किसी मेहनत के। इसके लिए सिर्फ हमें 2 से 5 मिनट की ज़रूरत है, ये फटाक से अपने आप साफ हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं धीरे धीरे बस इसको स्टर कर रही हूँ, डाल रही हूँ। सिर्फ 2 से 5 मिनट के अंदर ये पायल मेरी पूरी साफ हो जाएगी। हम इसके अंदर ही, जैसे इससे फॉइल पेपर है ये इसका कालापन खींच लेगा, सोडा भी इसके जो कालेपन को कट कर देता है। ये बहुत ही अच्छा टिप है चांदी साफ करने का। इसी तरीके से हम चांदी के सिक्के, कटोरी, ग्लास भी ऐसे साफ कर सकते हैं, बट भगवान की मूर्तियाँ ये सब ना करें, इसमें हमें बहुत कर्म बनते हैं भगवान की मूर्ति ये सबको साफ करने में। देखिए ये जो मेरी पायल है काफ़ी कालापन कम हो गया है। सिर्फ 2 से 5 मिनट हमें फुल आंच में करना है, बीच बीच में सिम कम करते रहें और उसको हिलाते रहें। सिर्फ 2 से 5 मिनट तक करना है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो पायल बिछिया थी जो बहुत काली पड़ चुकी थी, वो देखिए पूरा कालापन इसका निकल गया है अंदर अंदर से। सिर्फ 2 से 5 मिनट में, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखिए मेरी जो पायल थी वो सब मोस्टली साफ हो गई है, और जो पायल मेरी बहुत ज़्यादा काली हो चुकी थी वो भी पूरी तरीके से साफ है, बिना ब्रश बिना किसी चीज़ के हम पायल को ऐसे साफ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी पायल पूरी तरीके से, देखिए फ्रेंड्स ये जो मेरी चांदी की पायल है वो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। अब मैं जो गैस की फ्लेम है उसे बंद कर दूंगी और इसे 2 मिनट के लिए बस ठंडा होने देना है। उसके बाद इस पायल को मैं एक साफ बॉल में निकाल दूंगी। ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है, देखिए फ्रेंड्स जो मेरी पायल ये सब थी कितनी काली थी, और ये वाली जो बहुत ज़्यादा काली पड़ चुकी थी ये भी ऑलमोस्ट साफ है। इसको 2 मिनट के लिए और अपन बॉईल करने रखेंगे, और बाकी इसमें तो देखिए कितनी अच्छी चमक आ गई है। और ये जो मेरी बिछिया थी पूरी काली थी, ये देखिए ये भी पूरी तरीके से साफ है। और फ्रेंड्स ध्यान रहे कि मिन्ना वाली चीज़ें पानी में बॉईल कभी ना करें, उससे वो मिन्ने ख़राब होने का डर रहता है। देखिए फ्रेंड्स मेरा जो दूसरा पायल है वो कैसे, क्या कंडीशन, देखते हैं चलो जो मैंने पायल डाली थी उसकी क्या हालत है। ये देखिए फ्रेंड्स ये भी अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। अब हम गैस बंद कर दें। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी जो पायल थी पूरी तरीके से चमक उठी है। एंड मेरा जो दूसरा टिप है वो है भीम पाउडर। हम थोड़ा सा भीम पाउडर लेंगे और उसको एक फॉर्म की हेल्प से यू रब करेंगे।
ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा टिप है। इसी तरीके से हम अगरबत्ती की जो छाइयाँ बच जाती है उससे भी हम चांदी को साफ़ कर सकते हैं। चांदी और सोना साफ करने के लिए अगरबत्ती की जो छाइयाँ होती है वो बहुत बेस्ट टिप है। ये देखिए, इससे भी कैसे चमक उठेगा हमारा चांदी। अगर आपको बॉईल करके नहीं करना है तो आप ऐसे भी चांदी को साफ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से साफ है। देखिए फ्रेंड्स,